टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है UGC मैथ में, और इसके लिए हमें बहुत सारे टीचिंग की डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है एंड इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो ताकि मैं मोटिवेट हूँ आगे वीडियोस अपलोड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा कि बेसिक टीचिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग कहाँ से आई है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो हमें एजुकेशन से क्या होता है, हम जो कल्चर सीखते हैं आगे उसे ट्रांसमिट करते हैं दूसरे लोगों को, और हमारा जो हम जो सीखते हैं, हमारे स्किल्स होते हैं, जो भी कुछ है, वो हम आगे अपने आगे जनरेशन्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो टीचिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारे पास जो भी एबिलिटी है हम आगे उसको ट्रांसमिट करें और आगे के लोगों को एक नया इनोवेशन करने का, एक नया एनलाइटमेंट करने का आइडिया दें। सो प्रिपरेशन फॉर ए वोकेशन, तो जब एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज प्रिपरेशन फॉर वोकेशन। वोकेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। वोकेशन का मीन्स बेसिक मतलब वो होता है टू विच अ पर्सन इज स्पेशली ड्रॉन और फिर फॉर विच ही इज सूटेड ट्रेंड और क्वालिफाइड। मीन्स कि वोकेशन लैटिन वर्ड से आया है वोकेशियो, जिसका मतलब होता है एक कॉल, ए समन, एक ऑक्यूपेशन जो जिसके लिए उसे ट्रेन किया जा जाता है या वो सूटेड होता है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पास करना है, पढ़ लिख के पास करना है, एक ऐसा पर्सन जो उस फील्ड में एक्सेल करे। सो वोकेशन का मीन्स ये होता है। नाउ हम आते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग शुड इंक्लूड आइडेंटिफाई वेदर टीचिंग इज अ प्रोसेस और प्रोडक्ट, इंडिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, रिवील ऑब्जेक्टिव, रिवील ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चरल एक्टर। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई वेदर टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रॉपर डेफिनेशन में ये होना, इन्होंने माना है कि टीचिंग एक प्रोसेस है। तो हमें पता है कि टीचिंग एक प्रोसेस है, पहले हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ाते हैं, तो इट्स अ प्रोसेस। तो उन्होंने बोला है कि टीचिंग के अंदर आइडेंटिफाई करो कि क्या टीचिंग एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है। फिर इंडिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, मीन्स कि क्या वो मैनेजमेंट के लिए है टीचिंग, या किसी ट्रेनिंग बेस्ड पर्पज़ के लिए टीचिंग है, किस टाइप की टीचिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे संविधान से नहीं मतलब है, इनका मतलब है कि मैनेजमेंट है या ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। रिवील ऑब्जेक्टिव, जिस भी पर्पज़ के लिए टीचिंग की जा रही है वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, एंड रिवील ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, और उसका मेन मोटिव क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन किस लिए टीचिंग की जा रही है, उसका ऑर्गेनाइज और उसका स्ट्रक्चर एस्पेक्ट भी इसमें क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए टीचिंग। नाउ वी विल कम टू नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर क्या है टीचिंग का, इट्स डायनामिक, मीन्स कि टीचिंग डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, टीचिंग चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है टीचिंग का लेवल ऑल वास्ट होता है। तो जैसे अभी स्टार्टिंग का कोई टीचर रहेगा तो वो डिफरेंट टाइप से पढ़ाता है, एंड अगर एक्सपीरियंस कोई टीचर रहेगा तो वो डिफरेंट टाइप से स्टडी कराएगा। तो डायनेमिक होता है नेचर में, सोशल एंड ह्यूमन होता है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए है, तो सोशल एंड ह्यूमन, इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर, एंड आर्ट एंड साइंस। और ये जो टीचिंग है इट्स अ आर्ट एंड इट्स अ साइंस, इसमें कितने सारे फैक्ट्स हैं, कितने सारे आर्ट जुड़े हैं, हम कितने कितने वेज से टीचिंग कराते हैं, तो ये आर्ट है, साइंस है,
सिस्टमेटिक होता है, क्रिएटिव होता है। टीचिंग डाइवर्स इन एप्लीकेशन, अप्लाई करने में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। अगर कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो वो डिफरेंटली पढ़ेगा, एंड अगर वो साइकोलॉजी का है तो वो डिफरेंट तरीके से टीचिंग करेगा। तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं टीचिंग के, और कभी हम ब्लैक बोर्ड से करते हैं टीचिंग, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं। तो ये सारे फॉर्म के बहुत सारे एप्लीकेशन अलग अलग हैं टीचिंग के। नाउ विल कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग के? सिस्टम ऑफ एक्शंस मीन्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक्शन सिस्टम ऑफ एक्शंस है, क्योंकि हम इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं। अगर कोई बच्चा वीक है तो हम उसको अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो अलग सिस्टम। तो हम एकदम चुपचाप बैठ के कुछ नहीं करा सकते। अगर टीचिंग करानी है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है, इसमें एक्शन लेना पड़ता है। एक प्रोफेशनल एक्टिविटी, और एक इसमें प्रोफेशनली इसको किया जाता है, प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर आता है ये। सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, हमें कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। बिना एनालिसिस के हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। तो अगर हमें इफेक्टिव टीचिंग करानी है तो एनालिसिस और असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग का। एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस मीन्स, इसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरैक्शन होता है। बिना इंटरैक्शन के ना टीचर ना लर्नर ही सीख पाएगा, ना टीचर उसे सिखा पाएगा। तो दोनों में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है। स्पेशलाइज्ड टास्क है मीन्स कि हम यूं ही नहीं किसी को टीचिंग करा सकते। एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट स्कूल में जाते हैं तो आपको अलग एक स्पेशलाइज्ड, अगर आप एचआर के हैं तो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, फाइनेंस के हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो एक स्पेशलाइज टास्क होता है मीन्स कि एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। एक कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स मीन्स कि एक ही टीचिंग में हम कई वेज अपनाते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन टीचिंग की ज़रूरत है तो ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, किसी को अगर डिस्कशन की ज़रूरत है तो हम डिस्कशन करते हैं। तो एक वेरियस मोड्स।